हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चाइना फिश। चाइना फिश बनाएंगे। चाइना फिश के लिए मसाला हम क्या क्या लिए हैं वो दिखाते हैं आपको। और मसाला सिलबट्टा पर पहले पीसेंगे, उसके बाद चाइना फिश को हम कैसे बनाएंगे। आज बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है चाइना फिश। चाइना रोहू मछली बोल लीजिए। चाइना रोहू मछली बनाने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे क्या क्या मसाले वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले 4 गांठ लहसुन ले लिए हैं। लहसुन को ऐसी रफली छील लिए हैं। 2 चम्मच काला वाला सरसों, 2 चम्मच साबुत धनिया ले लिए हैं। 1 चम्मच काली मिर्च लिए हैं। 2 गांठ हल्दी है। 1 बड़ा चम्मच खाने वाला चम्मच जीरा है। 4 हरा मिर्ची है और यहाँ पे 5 से 7 लाल मिर्चा है। 1 इंच का अदरक है। हमारा जो चाइना फिश है वो 1.5 केजी है। तो चलिए चलते हैं बनाने। पहले हम हल्दी को कूट के बारीक पीसेंगे। इसका दांत खत्म हो गया है, दांत वाले भैया को बुलाना है। हल्दी को बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं। बाकी ये सारे जो मसाले हैं उसको भी पीस लेंगे। तो ये है घना ले ले पॉन्स का। तो मसाला पीस लिए हैं। चूल्हा जल गया है तो कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, यहीं पे हम 100 से 150 ग्राम तेल डालेंगे इसमें मछली को फ्राई करने के लिए। तेल को बढ़िया से गर्म कर देते हैं। खेत से लहसुन पत्ता, धनिया पत्ता, प्याज, ग्रीन मला, मेथी पत्ता लाए हैं। इसको धो लिए अच्छे तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा पीला होता है तो अच्छा लगता है। और 1 चम्मच खाने वाला चम्मच से नमक भी डाल रही हूँ। ये जो मसाला हम पीसे हैं ना, इसमें से थोड़ा सा हम डालेंगे। डाल के इसको अच्छा से मैरिनेट करेंगे। तो चाइना रोहू को मैं अच्छा से मैरिनेट कर ली हूँ। अब तेल अच्छा से जब गर्म हो जाएगा तेल गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पीस को फ्राई करेंगे। अब सभी चीजों को ना हमें बारीक बारीक काट लेना है। तो ये मछली जो हमारा है देखिए तल गया है, इसको ना साइड कर देते हैं। थोड़ा सा और करारा होगा और हम इस तरीके से दूसरा पीस इधर फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं तेल में। देखिए कितना अच्छा तल गया है मछली। और इसको निकाल लेंगे। ऐसे हम सभी मछली को फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाऊंगी इसको।
लें। अब इसमें डालेंगे 2-3 लाल मिर्ची और 2 चुटकी सरसों। यहीं पे चटकने के बाद प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा बिल्कुल गुलाबी हो चुका है, इस तरीके का भून जाना चाहिए, ये देख रहे हैं। उसके बाद इसी में हम डालेंगे ये मेथी का पत्ता। उसके बाद डालेंगे ये प्याज का पत्ता, ग्रीन वाला प्याज है। उसके बाद डालेंगे धनिया पत्ता। और सभी चीज़ों को डाल के अच्छा से भून लेना है। धनिया पत्ता, लहसुन पत्ता और हरा वाला प्याज सब कुछ भून गया है। तो यहीं पे जो मसाला हम रेडी करके रखे हैं वो डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी भी ऐड कर लेंगे। अब आपको जितना ग्रेवी बनाना हो उसी के हिसाब से इसमें नमक ऐड करें, क्योंकि मछली में आप पहले भी नमक डाल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे खाने वाला चम्मच से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब मसाला को तेल छूटने तक हम भूनेंगे, कम से कम नहीं हो तो 8-10 मिनट लग जाएगा भूनने में। इस तरीके से हम भूनते रहेंगे और चलाते रहेंगे। भूनने से पहले 2 टमाटर हम काट के इसी में डालेंगे। अब ढक्कन से कवर करके अच्छा से भून लें। अपना कर लो फिर मैं करना। कर लीजिए तो आपको सब करनी है ना। तो आपको देखना है कि किस चीज से खाना है, चावल से कि रोटी से। उस हिसाब से इसमें ग्रेवी रखिएगा। तो सब कुछ हम तैयार कर चुके हैं। अब फटाफट हम इसको खोल आने देते हैं और उसके बाद इसमें मछली को छोड़ेंगे। किसके चक्कर में मैं खाऊंगी? द जंगल गर्ल। अभी खा के देखो अच्छी लग रही है सर। हाँ अच्छी लग रही है। रोस्ट फ्लेवर आ रही है। रोस्टेड हो गई है ना। अब जैसे आप तोड़ोगे पूरा नीचे आ जाएगा। थोड़ा लो खा के देखो। वाह कितना नहीं खाएंगे। अमेजिंग टेस्ट। सॉस दो, लगाओ सॉस लगाओ, अच्छा लगेगा। इसमें ये कौन सा सॉस है? बेव है, बेव चपोतले। अब हमारा ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम फिश रख के डाल लेते हैं। तो ज़्यादा हम फिश इसमें नहीं डालेंगे, सूखा भी रखेंगे क्योंकि बच्चे को ऐसे ही पसंद है सूखा। जब उसमें डालेंगे जब खाना होगा जब, तो ग्रेवी में डालने के बाद में एक बार अच्छा से थोड़ा सा हिला देंगे और बस। अब बन चुका है। अब चलते हैं फटाफट इसको सर्व करेंगे। नान जी, ये हमारी बेटी के लिए प्लेट रेडी कर रही हूँ। आप लोगों को सर्विंग करके दिखा भी दूंगी कैसा फिश बनाई हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सलाद डाल देती हूँ, क्योंकि ये तो अभी बाल्टी का पानी यहाँ रखा हुआ था, गिराई है तो मार पड़ा है। इधर आलू का भुजिया में पानी गिरा दी है। ये आलू का भुजिया है। अब हमारा फिश करी तो रेडी हो चुका है, तो फटाफट गर्मा गर्म फिश करी डाल देते हैं यहाँ। वैसे 2 तो खा नहीं पाएगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए डाल दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इतना टेस्टी डिलीशियस फिश करी है कि आप एक बार बना लिए ना तो बार बार खाएंगे। तो पूरा प्लेट रेडी है। सूखा वाला फिश भी रख दी हूँ। 2 पीस चाइना रहू है, भुजिया है और साथ में है चावल और सलाद। तो नॉनवेज थाली पूरा रेडी हो चुका है और आप लोग भी इस तरीके से बना के खाइएगा। तो लेके चलते हैं, देते हैं। लेकिन अभी हमारी बेटी तो देख रहे हैं, उसको पकाएगी फिर खाएगी, बोल रही है कि मैं तंदूरी फिश।
तंदूरी फिश खाऊंगी, तो अब मैं ही खाऊंगी इसको। तो देख रहे हैं वो तंदूरी फिश बना रही है, इसलिए वो नहीं खा रही है, उसी के लिए निकाली थी मैं, नहीं तो मैं तो और चावल खाती हूँ। ये देखिए उधर देखिए, देख रहे हैं कितना अच्छा बन रहा है, देख। चलो मेरे को और बनाना है अभी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, अगर आप लोग भी नॉन वेज के शौकीन हैं तो। लकी बोलो, आज का जो करी बनाई हूँ ना फिश करी, बहुत टेस्टी है। मुझे लग रहा पतला बना दियो। पतला इतना मोटा है।